यही वो सिवाना है जहाँ की जगदीशपुर शहर जाने से पहले एक बचपन से मैं भगवान भोलेनाथ का तपस्या करता था। आज वही यह शिव मंदिर है जिस मंदिर के चौकट तक मैं तुम्हें लाया हूँ बहन। इसलिए आज मैं एक बचपन से की हुई भक्ति का कुछ फल पाना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ की इच्छा से आज उनका तपस्या करूँगा और उनके साथ ही गुणगान करना चाहता हूँ बहन। भगवान भोलेनाथ की इच्छा हुई तो जरूर तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देंगे। वो तो खुद ही जगत पिता महादेव है, नाथों के नाथ, त्रिलोकी नाथ, जिसके पूजा भक्ति और आराधना आज हम एक राजा जगदीश होकर की करने चले हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले। राजा जगदीश। हाँ भगवान, आप कौन? मैं देवों के देव महादेव बोल रहा हूँ। महादेव जी के श्री चरणों में राजा जगदीश का प्रणाम स्वीकार हो। तुम एक बचपन से मेरा भक्ति करते आ रहे हो, आज दिन तक तुम कुछ नहीं मुझसे मांगा जी, लेकिन आज मैं तुम्हारे भक्ति के ऊपर प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो, आज मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। हे जगत पिता महादेव, आप तो जानते हैं कि आपकी कृपा से मेरे संसार में कोई किसी चीज की कमी नहीं है।
एक मेरे पास बहन नहीं थी, वो भी मुझे आपने दे दिए, लेकिन बहन भी दिए हैं, वो भी अंधी है। इस वक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, सिर्फ मेरी बहन का नेत्र मुझे चाहिए। लेकिन राजा जगदीश, हाँ भगवान, उस अंधे को बहन नहीं तुम्हें पत्नी बनाना होगा। नहीं भगवान, असंभव है। मरने वाले की इच्छा की जगह मैं वादा कर चुका हूँ, आपकी बहन को मैं बहन बनाकर रखूंगा, लेकिन आप तो भगवान मुझे पत्नी स्वीकार करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ राजा जगदीश, अगर तुम पत्नी स्वीकार कर लेते हो तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा और सुशीला की दोनों नेत्र वापस चले आएंगे। हे भगवान, अगर आपकी इच्छा है मैं इसे पत्नी बनाऊं, तभी इसका नेत्र आप वापस करेंगे, अन्यथा नहीं। भगवान, एक बहन के जगह अगर पत्नी बनाकर उसे मैं सुखी संपन्न की जिंदगी दे सकता हूं, तो फिर मैं आज बहन नहीं, आपके सामने आपको साक्षी मान करके इसे मैं पत्नी स्वीकार करता हूं। तो चलो ओम नमः शिवाय की जाप करते हुए सुशीला के यहाँ की पट्टी खोल दो। जो आज्ञा भगवान, आपके नाम के सहारे से मैं इस अंधी सुशीला के नेत्र की पट्टी खोल देता हूँ। खोल दो तथा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान की, शंकर भगवान की। स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो सुशीला, ओहो भाग्य है जो आज तुम्हारी मिलन और मेरे साथ हुआ। जंगल में अगर नहीं मिलता मैं, आज तेरा नेत्र वापस नहीं आता, इसलिए मैं भगवान के सामने साक्षी मान चुका हूँ कि आज के बाद तो मेरी बहन बहन नहीं बल्कि एक पत्नी बनकर के, मेरी अर्धांगनी बनकर के मेरे महल में जियोगी, महारानी सुशीला। अब इस वक्त चलो यहाँ से चलते हैं अपना जगदीशपुर शहर, जिस हवेली में ढेर सारे सदस्य रहते हैं। चलो सुशीला। Yeah.
देखो महारानी सुशीला, हाँ। यही अपना राज्य भवन है।